So this is the exterior of the bus. So guys, this is the interior of the bus. So let's see कैसा experience होता है non AC night super bus में हमारा. बस यही view के लिए मैंने इतना खर्चा किया है. Hello guys, welcome back to another vlog. I hope you all are absolutely fit and fine. So one more travel vlog आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ. And this time इस बार है from अरुणाचल प्रदेश. तो right now I am in Miao, अरुणाचल प्रदेश. अगर आप देखोगे इट इज़ इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. हमारे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश के तीन बॉर्डर्स मिलेंगे. एक तो हो गया, अगर आप देखोगे रोइंग साइड वाला जो कि धोला सदिया के थ्रू होते हुए आपको मिलेगा. एंड दूसरा हो गया तेजू वाला जो कि अगर आपको नामसाई काकू नामसाई. एंड ये हो गया तीसरा वाला जो मार्केटा लीडू जागुन लीडू होते हुए हम यहाँ पे मियाओ एंटर करते हैं. तो अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी आपको रोइंग टू गुवाहाटी वाला ब्लॉग दिखाया था नाइट सुपर का. तो अभी फ़िलहाल इस बार बारी है फ्रॉम मियाओ टू गुवाहाटी. तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं पहुँच गया यहाँ पे मियाओ आ चुका हूँ. तो यहाँ से हम जर्नी की स्टार्ट करेंगे इस बार. घर से लगभग मियाओ यहाँ पे 150 किलोमीटर के आसपास है. पहले तो मैं गया तिनसुकिया, देन उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे 6:30 बजे का बस लिया मियाओ आने वाला. देन 10:30 बजे मैं पहुँचा. तो मेरा जो बस है वो अगर आप देखोगे 1:45 को यहाँ से, अभी फ़िलहाल टाइम कितना हो रहा है 12 बज चुका है. तो अगले 1.25 घंटे में यहाँ पे बस आ ही जाएगा. यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत बड़ा टास्क है. सुबह सुबह यहाँ पे मैं आ गया 6:30 बजे, एज आई टोल्ड यू 6:30 बजे का बस ले लिया तिनसुकिया से. 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया मियाओ में. और अगर आप देखोगे अभी ऐसे घूम रहा हूँ, कुछ है भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा खास. और अगर यहाँ पे हम देखें तो लाइक ऑफ रोइंग हो गया, देन तेजू हो गया. उधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गेट पास मिल जाता है. मतलब अगर आप देखोगे आप जब भी एंटर करोगे तो एज आई टोल्ड यू ILP लगता है ना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे गेट पास बन जाता है. तो एंट्री लेके पर डे के हिसाब से 30-30 रुपीज़ है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे वो फैसिलिटी नहीं है. यहाँ पे आपको डायरेक्ट ILP बनाना पड़ेगा, वो जो डिब्रूगढ़ से, या फिर ऑनलाइन बना सकते हो. तो हम तो यहाँ पे जब गेट में पहुँचे तब हमें मालूम चला. तो फिर भी उन्होंने यहाँ पे एंट्री, मतलब एंट्री करके जाने दिया जाने. सो अभी तक ये फैसिलिटीज़ तो नहीं आया है यहाँ पे, मतलब गेट पास वाला फैसिलिटी. तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो थे उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द आने वाला है, लेट सी. और प्लस अगर आप देखोगे लाइक ऑफ रोइंग हो गया, तेजू हो गया, मियाँ उतना डेवलप नहीं है. मतलब उतना, मतलब वो वाइब्स मुझे नहीं आ रहा. जैसे कि मैं अभी लास्ट टाइम रोइंग भी गया था, क्या अमेजिंग था. और नामसाई तेजू तो मैं 2-3 बार गया हुआ हूँ. वहाँ के रोड्स वगैरह, वहाँ के हाईवे काफ़ी अमेजिंग है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटा सा अगर आप देखोगे गांव जैसा ही मतलब आपको लगेगा यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ तो है. फिलहाल पहुँच चुका है तो ये अपना जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एज आई टोल्ड यू 1:45 का बस है. एंड बस भी अगर आप देखोगे नेटवर्क ट्रेवल्स का ही है. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियसली भी, नेटवर्क ट्रेवल्स में ये मेरा 3रा बार है. बट इस बार नॉन AC में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ. तो ये जो होने वाला है ये ऑर्डिनरी नाइट सुपर होने वाला है फ्रॉम मियाओ टू गुवाहाटी इन नॉन AC. पिछली बार अगर आप देखोगे नेटवर्क ट्रेवल्स के मैंने नॉर्थ लखीमपुर टू गुवाहाटी, देन नॉर्थ लखीमपुर टू तिनसुकिया का ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ, आप चेकआउट कर लेना. एज वेल एज ये फर्स्ट टाइम होने वाला है जिसमें मैं नॉन AC बस में ट्रैवल करने वाला हूँ. अभी तक जितने भी मतलब बसेस से सारे AC वाले ब्लॉग्स बनाया और प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो जितने भी मैंने बस ब्लॉग बनाया हुआ है. और स्पेशली थैंक यू सो मच जो मधुमिता ट्रैवल्स का मैंने ब्लॉग बनाया था वोल्वो 9600S का, उसका आप लोगों ने ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया. तो थैंक यू सो मच. तो आप अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना. खैर, तो जैसे कि मैंने कहा अभी आप लोगों प्रीवियसली पास्ट में, नेटवर्क ट्रेवल्स का पहुँच बहुत दूर दूर तक है भाई साहब. ऐसे ही ये नॉर्थ ईस्ट के सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटर नहीं है भाई साहब. 1992 से ये बस ऑपरेट कर रहे हैं. तो यस, ऑब्वियसली जहां आपको और बसेस नहीं मिलेंगे वहां पे आपको नेटवर्क ट्रेवल्स का मिलेगा. तो एक बस यहां पे AC बस चलता था पर्पल विंग्स का, 3 बजे चलता था. फिलहाल वो नहीं चल रहा है. अभी फ़िलहाल वो गुवाहाटी टू मार्केटा गुवाहाटी चल रहा है. नहीं तो वो मियाओ टू गुवाहाटी जाता था. लेकिन खैर कोई नहीं, एज आई टोल्ड यू बस को आ जाने दीजिए. देखेंगे क्या इंटीरियर है, कैसा एक्सपीरियंस. बाकी आपको अरुणाचल प्रदेश के थ्रू होते हुए वही आसाम लेके जाऊंगा. रूट वगैरह तो
पहले भी प्रीवियसली मैंने ब्लॉग वगैरह बनाए हैं, लेकिन देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो अगर आप देखोगे ये रोइंग से भी गुवाहाटी हो गया, अब मियाँ से गुवाहाटी होने वाला है। एक चीज़ बचा हुआ है तेजू टू गुवाहाटी, तो लेट्स सी उसका कब देखने को मिलता है। वो भी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस बार मतलब जब भी मैं तेजू टू गुवाहाटी जाऊँगा तो वो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि APSTS का वोल्वो बस में ट्रैवल करने के लिए। लेट्स सी। सो गाइस ये देखो, ये मियाँ का एंट्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मियाँ। तो यहाँ से हम मियाँ एंटर करते हैं। एज आई टोल्ड यू गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। लाइक ऑफ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी रोइंग हो गया या तेजू हो गया, तो छोटा सा टाउन ही है। यहाँ पे स्टेशन वगैरह मोस्ट प्रोबेबली बस यहीं पर आने वाला है। और इधर अंदर की तरफ यहाँ पे होटल वगैरह, आपको फल फूल की दुकान वगैरह मिल जाएगा। ये हो गया, अगर आप देखोगे नेशनल हाईवे, एज आई टोल्ड यू यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे बस मेरे ख्याल से यहीं पे आएगा, अभी तक तो आया नहीं है फिलहाल। सो मैं सुबह तिनसुकिया से अगर आप देखोगे इसी बस में आया था, 10:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच गया था। गाइस ये रहा अपना बस, आ चुका है। एंड एज आई टोल्ड यू ये सबसे बड़ा ऑपरेटर है नॉर्थ ईस्ट का। एंड इसका अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन देखोगे तो ज़्यादातर वाइट कलर एंड ब्लैक एंड वाइट ही रहता है। नेटवर्क के सारे बसेस का ऑलमोस्ट 95-98% बसेस को अगर आप ले लो। एक्सटीरियर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का है, फ्रंट में नेटवर्क का बेजिंग लिखा हुआ है, नेटवर्क ट्रेवल्स लिखा हुआ है। और बस एज आई टोल्ड यू काफ़ी अमेजिंग है। एंड दिस वन इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ द बस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अमेजिंग है एज आई टोल्ड यू। सो बैक साइड में कुछ इस तरीके का नेटवर्क का बेजिंग इधर भी है, और ऊपर अगर आप देखोगे एयर सस्पेंशन लिखा होता है। लेट सी कैसा होता है, अभी मैं आपको अंदर चल के इंटीरियर दिखाऊंगा। सो गाइस दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द बस, जहाँ पे अगर आप देखोगे 2x1 का कॉम्बिनेशन है। आपको बता दूँ नॉन AC बसेस में भी आपको यहाँ पे 2x1 का कॉम्बिनेशन मिलता है, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो ये ऑब्वियसली स्लीपर नहीं, ये सीटर है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ये लगेज होल्डर वगैरह मिलेगा एंड यहाँ पे लाइट्स वगैरह मिलेगा। एंड इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर विल बी देयर, फुट रेस्ट ऑल्सो गिवन, ऑब्वियसली इट इज़ अ पुशपुल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इंटीरियर लुक्स क्वाइट अमेजिंग, एंड अगेन दिस वन इज़ क्वाइट ब्रॉड। मैंने देखा है यहाँ पे सीटर वाले बसेस में ये एरिया पूरा ब्रॉड होता है। तो लेट्स सी, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। बाकी गाइस ऊपर में आपको लाइटिंग वगैरह मिलेगा। हाँ, इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, चार्जिंग पॉइंट इज़ नॉट देयर। एंड एज आई टोल्ड यू नॉन AC है, तो यस ओपन विंडो यहाँ पे मिलेगा। केबिन इज़ लाइक डेट ओनली, ऑब्वियसली यू विल गेट दी फ्रंट इंजन, यहाँ पे फ्रंट इंजन, यहाँ पे ड्राइवर का मैनुअल कुछ इस तरीके का है। एंड ऊपर अगर आप देखोगे स्लीपर इज़ देयर, बैठने के लिए भी जगह वगैरह है। तो फ्रंट इंजन इज लाइक डेड ओनली। सो आई हैव शोन यू बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ दिस बस। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेट्स सी कैसा जर्नी एक्सपीरियंस होता है। तो अभी फ़िलहाल 2 बज चुका है, 15 मिनट से हम रुके हुए हैं। लेट्स सी कब यहाँ पे निकलते हैं। बाकी जो अपना बस का रूट होने वाला है, ऑब्वियसली मियाँ से निकलने के बाद जो हमारा आसाम का पहला सिटी आने वाला है, डेट विल बी जागुन। जागुन के बाद अगर आप देखोगे लीडू, मार्गेटा, सब स्टॉपेज होने वाला है, डिगबॉय, तिनसुकिया। देन उसके बाद एज यूजल तिनसुकिया के बाद तो वही रूट अगर आप देखोगे डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, काजीरंगा होते हुए कल सुबह हम लोग 6:30 बजे के आसपास गुवाहाटी पहुँचेंगे। डिस्टेंस हम 606 किलोमीटर के आसपास कवर करने वाले, टाइम वही 15-16 घंटा तो लगने वाला है। लेट सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं मियाँ से, और टाइम अगर आप देखोगे 2:10 इन द आफ्टरनून। तो यहाँ से जो आसाम बॉर्डर है डेट इज़ 35 किलोमीटर है। तो ये अगर आप देखोगे पूरा सेक्शन अरुणाचल होने वाला है, तो देखते। सो एज आई टोल्ड यू रोड उतने इधर के खास नहीं है, AP के स्टैंडर्ड से उधर जगह की अगर आप देखोगे लाइक साइड हो गया, रोइंग हो गया। तो अभी यहाँ पे बना रहे, फिर अगर आप देखोगे दोनों तरफ यहाँ पे जंगल ही जंगल है।
आप इधर का व्यू देखो गाइस, क्या अमेजिंग है ये तो अरुणाचल प्रदेश, नो डाउट का काफ़ी अमेजिंग है। अभी इधर थोड़ा काफ़ी अच्छा रोड मिल गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड प्लस माउंटेन आप देख रहे हो पहाड़। सो बस ऐसे व्यूज़ के लिए तो मैंने यहाँ पे इतना खर्चा किया, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ ब्लॉग को देखते जाओ, लाइक ज़रूर करना। सब थोड़ी देर में, अगले 5-10 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे अरुणाचल असम बॉर्डर। सो गाइस ये हम पहुँच चुके अरुणाचल असम बॉर्डर, सो वी आर क्रॉस अरुणाचल असम बॉर्डर गाइस। अरुणाचल एंटर करते वक्त आपको यहाँ पे ILP या गेट पास बनाना पड़ता है, जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जा सकते हो। एंड जैसे हम ये ब्रिज क्रॉस हो रहे हैं गाइस, इस तरफ है अरुणाचल, एंड ब्रिज के पार अगर आप देखोगे आ चुका है आसाम। सो ब्रिज क्रॉस करते ही गाइस हम लोग अब एंटर हो चुके इन असम, सो वेलकम टू असम। तो हम लोग असम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, इसके बाद हमारा मतलब नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला डेट विल बी इन जागुन। एंड गाइस असम एंटर होते सब हमें दर्शन हो चुके टी गार्डन के, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, वैसे अगर आप देखोगे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इज़ द हब ऑफ टी गार्डन, मतलब इतने सारे टी गार्डन्स हैं ना तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप देखोगे लगभग 100 से तो ऊपर ही होंगे मेरे ख्याल से। सो गाइस वी हैव रीच्ड नाउ, सो हम पहुँचे गाइस फाइनली अपना फर्स्ट स्टॉप डेट इज़ जागुन। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम रुके हुए हैं, दिस इज़ जागुन बस स्टैंड, और यहाँ पे एक और नाइट सुपर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक वाला नाइट सुपर, उधर तनुज का, एंड ये हमारा वाला। तो वैसे हमारा बस स्टार्ट हो चुका है, टाइम अगर आप देखोगे इट्स 3:38 एंड वी आर लिविंग जागुन। वैसे इनके बारे में मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ द हब ऑफ नेपाली पीपल भाई साहब। आपको असम में कोई कोई ऐसे जगह मिलेंगे जैसे तेजपुर हो गया, जागुन हो गया, सदिया हो गया, मतलब पूरा नेपाली गाँव है। तीस साल हो गया, हाय इधर भी हाय बोल दीजिए। सो गाइस ये सारे हैं नेटवर्क ट्रेवल्स के स्टाफ, मतलब मियाँ से गुवाहाटी अगर आप जाओगे तो सारे स्टाफ आपको मिलेंगे, एज वेल एज हमारे ड्राइवर भैया, हाय बोल दीजिए, हाय हाय हाय। एंड ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो नेपाली, सो आई नो लिटिल बिट कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, बट ये सो ऑब्वियसली उससे पहले आई एम प्राउड डेट भाई सब इंडिया में रह रहे, इंडिया में पैदा हुए। वी हैव रीच्ड नाउ लीडू, तो लीडू हम पहुँच चुके हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे रेलवे लाइन भी आ चुका है, बिकॉज अगर आप देखोगे लीडू इज़ द
लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ आसाम। सो इसके आगे फिलहाल रेलवे लाइन नहीं है, तो आप एक तरीके से सोच सकते हो कि डीडू से ही रेलवे लाइन स्टार्ट होता है आसाम का। एज वेल एज हमारे उधर भी है, यहाँ पे डांगरी बोलने वाला जगह, तो वहाँ पे उधर अगर आप देखोगे उधर लास्ट रेलवे लाइन है। एंड एज वेल एज डीडू इज़ द कोल माइनिंग हब ऑल्सो, तो यहाँ पे कोल माइनिंग भी होता है भाई साहब। 4:30 इन द इवनिंग गाइस, सो वी हैव रीच्ड नाउ मार्गेटा। तो हम लोग मार्गेटा पहुँच चुके हैं एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द ब्लॉग, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अभी जितना डे है उतना में मैं आपको केबिन राइड दिखा रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली एक ही ब्लॉग में, पहले ही मैं कभी नहीं आया था। मियाँ से लेके जागुन लीडू मार्गेटा डिग्बोई सब दिखाने वाला हूँ। तो इसके बाद ऑब्वियसली डिग्बोई में हम रुकेंगे, मार्गेटा में आई गेस अभी थोड़ा देर रुकने वाले, यहाँ पे 15 मिनट जैसा रुकेंगे हम। खैर मार्गेटा इज़ नोन एज द म्यूज़ियम, यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़ियम भी है और टी गार्डन्स भी है। यहाँ पे हर एक सिटीज़ के अपने अपने चीज़ें वगैरह है देखने के लिए, जैसे कि लीडू में एज आई टोल्ड यू कोल माइनिंग वगैरह है। एक बार मैं क्लास 11 में था तब हम आए थे यहाँ पे, वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, क्या था आई थिंक एक्सपीडिशन और एक्सपीडिशन, मतलब जो भी हो, मतलब उसका रिपोर्ट वगैरह हमें बनाना था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभी फिर याद नहीं आ रहा है, मतलब वही जो अभी याद आया गाइस, असाइनमेंट बनाने के लिए तो ये आए थे। देन मार्गेटा में एज आई टोल्ड यू म्यूजियम, डिग्बोई में हो गया एशिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, तो ये अलग अलग सिटीज से अलग अलग यहाँ पे है। फिर अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे मार्गेटा से भी। सो 5:20 इन द इवनिंग गाइस, सो वी हैव रीच्ड नाउ डिग्बोई। तो डिग्बोई हम पहुँचे, बेसिकली यहाँ पे जो रेल गेट है ना, आई थिंक कोई ट्रेन आने वाला है इसलिए रेल गेट बंद करके रखा हुआ है। सिर्फ इंजन के लिए। सो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे मंदिर पे, तो पूजा पाठ तो करना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड डिजिटल मीटर कुछ इस तरीके का है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे स्विचेस वगैरह है। एंड एज आई टोल्ड यू रिवर्स कैमरा इज़ हियर। सो यहाँ पे पूजा भी हो गया एंड प्रसादी इज ऑल्सो हियर। सिक्स फाइव इन द इवनिंग गाइस, सो वी हैव रीच्ड नाउ माकुम। ये जो रेलवे लाइन देख रहे हो ये वही रेलवे लाइन है जो लीडू से आ रहा है। Then we have connected now on National Highway 37. तो हम लोग नेशनल हाईवे 37 से कनेक्ट हो चुके। स्टार्टिंग इन द इवनिंग गाइस, वी हैव रीच्ड नाउ तिनसुकिया। सो फाइनली हम तिनसुकिया पहुंच चुके हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग तिनसुकिया से निकल रहे हैं एंड लिटरली गाइस आई एम फुल्ली टायर्ड भाई साहब। सुबह में 5 बजे उठा था, 5 बजे उठ के मतलब यहाँ पे एक तो मियाँ हो गया, देन वहाँ से मतलब आज तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉगिंग हो गया। सो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अब थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, अब फास्ट फॉरवर्ड सीधा, अब देखते जहाँ पे भी डिनर ब्रेक होगा वहीं पे मैं आप लोगों से मिलूँगा, तो अब मिलते डायरेक्टली वहीं पे। वैसे लाइट ऑन होने के बाद बस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है एंड यस ऑब्वियसली दिस। सो अभी अभी मैंने देखा कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी लेट से चार्ज होता है या नहीं।
9:45 इन द नाइट, तो भाई साहब डिनर टाइम हो चुका है और यहाँ पे देखो बसेस का मेला। ये रहा अपना बस, यहाँ पे कितने सारे बसेस है। खैर डिनर कर लेते भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त भूख लगा हुआ है। होटल भी पूरा भीड़ है यहाँ पे, अंदर चल के डिनर कर लेते, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनली अपना डिनर हो चुका है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, मैंने दिखाया नहीं बिकॉज अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा भीड़ था होटल, एक तो इतने सारे बसेस हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे एक दो बसेस यहाँ पे, ये रहा हमारा बस, और यहाँ पे अगर आप लाइन से देखोगे कितने बसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड ये तनुज का। तो भाई इतने सारे बसेस से, इतने सारे कस्टमर, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने कुछ मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं। और यूजुअली वही होता है, राइस थाली एंड रोटी थाली, और एक्स्ट्रा आप चिकन मटन ऑमलेट जो भी लेना चाहते हो वही है। तो ठीक ठाक था डिनर, आई वुड से डेट अच्छा खासा था, क्योंकि पहले भी मैं इस होटल में आया हुआ हूँ। ये हम जेमो ढाबा में नहीं रुके हुए, हम रुके हुए इन बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड शिवसागर के बीच एक होटल में, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं तनुज ट्रैवल, यही वाला बस था गाइस, ये वाला तनुज ट्रैवल था, तो इसमें जब मैं ट्रैवल किया था ना रोइंग टू गुवाहाटी, तो उस वक्त मैं इस होटल में रुका हुआ था अपना बस। वैसे तो रात को दिखने को ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे। सो दिस इज आवर होटल, होटल शिवसागर, और ऐसा भी इसमें यस वही लिखा है, होटल शिवसागर। तो यहाँ पे हम रुके हुए, तो हमारा बस भी स्टार्ट हो चुका, मैं चलता हूँ अंदर अभी। तो चलो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ पे अपने होटल से, और वहीं अगर आप देखोगे बस कितना कंफर्टेबल है, बस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक ठाक है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि पुश बैक थोड़ा कम हो रहा है, मतलब यूजुअली एसी बसेस में जितने पुश बैक होते उतने ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है यहाँ पे। एंड बाकी कुछ पता तो चल ही नहीं रहा है, बस जब हवा वगैरह दे रहा है, कहीं पर बस रुकता है तो थोड़ा गर्म लग रहा है। सो आगे वही शिवसागर जोराट काजीरंगा आने वाला है, तो मिलते अब मेरे ख्याल से कल सुबह ही मिलना होता है। अगर कहीं पे रुका रहा तो अब मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ गुड नाइट। सिक्स एम इन द मॉर्निंग गाइज, हम लोग पहुँच चुके खाना पड़ा, और मैं यहीं पे उतर गया हूँ यहाँ पे। बाइक एंड ऑटो वाला यहाँ पे परेशान करते थे। खैर जब भी आप खाना पड़ा उतरोगे तो इधर नीचे से होते हुए राइट जाने से यहाँ पे आपको पल्टन बाजार के लिए बसेस वगैरह मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला ओवरब्रिज हो गया वो सीधा जाता है ISBT। सो इधर से राइट जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पल्टन बाजार जाने के लिए बसेस वगैरह। तो इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको बसेस वगैरह मिलेंगे पल्टन बाजार के लिए, ये तेजपुर बस स्टैंड। एंड सीधा ऊपर जाओगे तो वही ओवरब्रिज निकल जाएगा एंड खानापाड़ा बस स्टैंड ऑल्सो। विजिट फ्रॉम द ब्लॉग, जर्नी एक्सपीरियंस वाज क्वाइट अमेजिंग, काफ़ी अच्छा रहा बस में। एंड एज आई टोल्ड यू, मतलब नॉन एसी था तो जब बस रुकता था थोड़ा गर्मी दिन में, मतलब थोड़ा गर्म लग जाता था, बाकी ओवरऑल काफ़ी अमेजिंग रहा, मतलब नॉन एसी नाइट सुपर बस में भी। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द ब्लॉग। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज़ ऑलवेज़ स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।